दी प्रिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं, मिलिए डॉक्टर प्रकाश कासवन से। इनका काम जो है वो यूनिक है बहुत सारे मामलों में, और जो बातचीत में मैं करूँगा तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ये किस तरह से हम सब की लाइफ के साथ इसका उस पर ये असर डालने वाला है। लेकिन अभी हाल में जो पिछले दिनों जो जिन किताबों की सोशल जस्टिस और इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज में सबसे ज़्यादा चर्चा रही, उनमें इनकी किताब है डेमोक्रेसीज इन द वुड्स, और वो तीन देशों की वो एक स्टडी है। तो मैं प्रोफेसर आपसे ये मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप अपनी किताब के बारे में एक बेसिक ब्रीफ आप हमें दें, जहाँ से हम बातचीत को शुरू कर पाएँ। जी, तो पर्यावरण और सामाजिक न्याय की जब संबंधों की बात होती है तो बहुत सारे लोग पर्यावरण की जो अवधारणा लेके बात शुरू करते हैं, वो अवधारणा ही एक तरीके से मिडिल क्लास कई बार या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो पर्यावरण की अवधारणा है, जिसमें पर्यावरण का मतलब है कि आपने एक नेशनल पार्क बनाया जहाँ पे आप ड्राइव करके जाएंगे और वीकेंड पे जाएंगे, पिकनिक जैसा करेंगे, तो वैसी जो पर्यावरण की अवधारणा है उसमें बहुत सारी चीज़ छूट जाती है। उसमें ये बड़ा एक सवाल छूट जाता है कि समाज के कौन से संसाधन जो हैं उनको आपने बचाया, और कहाँ पे आपने जो है कोई कोल माइन लगा दी या आपने कोई बड़ा फैक्ट्री बना दिया। तो जो एक समाज के अंदर पर्यावरण के बारे में जो बातचीत होती है और जिस तरीके से पर्यावरण से संबंधित जो डिसीजंस लिए जाते हैं, उसमें पॉलिटिक्स और पॉलिसी मेकिंग का बड़ा हाथ होता है। तो बहुत सारी बार ये हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि वो जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है उसमें कौन लोग भाग ले रहे हैं और कौन लोग भाग नहीं ले पा रहे हैं। तो जो किताब में जो मैंने किया है कि एक थोड़ा पीछे हट के ये देखा जाए कि एक समाज के अंदर पर्यावरण और सामाजिक न्याय की जो अवधारणा होती है वो किस तरीके से बातचीत की जाती है और उसको किस तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस और पॉलिसी प्रोसेस में लाया जाता है। तो इसमें मैंने इंडिया, तंजानिया और मेक्सिको को कंपेयर करके ये दिखाया है कि आप कानून बना लीजिए या आप प्रजातंत्र के जो इंस्टीट्यूशन हैं नाम मात्र के, उनसे इन चीज़ों का कोई खास लेना देना नहीं है। और फ़र्क इस बात से पड़ता है, ये एक आखिरी पॉइंट इस पे बता दूँ, मेन जो उसका मुख्य कंक्लूजन है कि आप पर्यावरण और सामाजिक न्याय का एक तालमेल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसका बात इस बात पर निर्भर करता है कि समाज के जो बहुसंख्यक वर्ग हैं वो क्या पॉलिटिकल प्रोसेस में और पॉलिसी प्रोसेस में हिस्सेदारी उनकी है या नहीं है। और जहाँ पे उनकी हिस्सेदारी बन पाती है, कई बार वो बहुत बार राजनीतिक कारणों से वो हिस्सेदारी बनती है, जैसे कि मेक्सिको में हुआ है, तो वहाँ पे पर्यावरण और सामाजिक न्याय के बीच में इतना बड़ा अंतर्विरोध नहीं दिखता है। हालांकि मेक्सिको इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग डेमोक्रेसी की तरह नहीं जाना जाता है, लेकिन वहाँ पे इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि पॉलिटिक्स की वजह से वहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है उसकी हिस्सेदारी उस प्रोसेस में है। और भारत जैसे देश में, हालांकि बहुत दुनिया मानती है कि हम लोग एक बड़ी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन क्योंकि उसमें बहुसंख्यक वर्ग का पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन पर्यावरण के मामलों में जो पॉलिटिक्स चलती है उसके ऊपर जो पॉलिसी बनती है उसके अंदर डायरेक्ट भागीदारी नहीं रही अभी तक, उसकी वजह से जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। ऐसा लगता है कि आदिवासियों की वजह से जंगल खराब हो गए, बहुत सारे मिडिल क्लास लोग ये बोलते हैं, और वो ऐसा तालमेल हम लोग बिठा नहीं पा रहे। तो ये मुख्य है। थोड़ा सा आपकी किताब में थोड़ा सा और गहरे उतरना चाहूँगा, जो आपने एक तरह से तीन वेरिएबल्स पर अपनी किताब का पूरा एक फ्रेम बनाया है कि आप एक जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम है वो एक अगर वेरिएबल है, दूसरा इनइक्वालिटी है, और तीसरा आपने एक फैक्ट लिया है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है या जो रिजर्व्स हैं उसके पास कितनी ज़मीन है और कैसे वो ज़मीन ली जा रही है। मेरे ख्याल से ये इसके प्रोसेसेस को भी आप देखते हैं। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए आपने जो फ्रीडम का इंडेक्स लिया, फिर वो आप कोएफिशिएंट लिया, फिर आपने जीनी कोएफिशिएंट लिया, और फिर इसके बाद कितनी ज़मीनें हैं। अभी भारत में पिछले दिनों, अभी कुछ ही महीने हुए हैं, अपने जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि 2 साल के अंदर में जो फॉरेस्ट कवर है
वो 21% से बढ़कर 24% हो गया। मैं पॉइंट और अंदर तक नहीं जा रहा हूँ, लगभग मतलब वो 3% बढ़ गया। ये क्या इस रफ्तार से अगर फॉरेस्ट कवर बढ़ता गया तो पूरा भारत कुछ दिनों बाद फॉरेस्ट बन जाएगा, अगर ये रफ्तार ये रही तो ये क्या चीज़ है? मतलब आप इस आपके आपके जो जो फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं उसके साथ ये जो बयान सरकार की तरफ से आता है, बहुत जिम्मेदार प्राधिकरणकारी की तरफ से आता है कि फॉरेस्ट कवर 2 साल के अंदर में 3% बढ़ गया, इसको कैसे समझा जाए? देखिए इसमें कई सारे इश्यूज आ गए हैं। वो जो आप जो पहले जिक्र कर रहे थे वो एक अलग स्टडी है जिसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन ये भारत में जो फॉरेस्ट कवर का कहानी है ये बहुत ही रुचिकर है। तो पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब अगर हम लोग वापस थोड़ा पीछे चले जाएं, 1960 की बात करें, जब पूरा रियासतों का जो डिमार्केशन होना था और उनका जो एकीकरण होना था वो सब हो गया था, जहाँ ज़मीन बड़े स्तर पे इधर उधर होनी थी वो सब हो चुकी थी। तो 1960 से लेके अगर 2010 तक हम 50 साल की हिस्ट्री देखें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, जो स्टेट के अलग अलग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनके कब्जे में जो फॉरेस्ट लैंड लीगल स्टेटस की तरह जो ज़मीन है वो 30% बढ़ गई 1960 से लेके 2010 तक। अब आप ये सोचिए कि ये 30% नेट इंक्रीज है, इसका मतलब है कि जितनी सारी जंगल की ज़मीन आपने बांधों के लिए डुबो दी या आपने फैक्ट्रियों के लिए दे दी या आपने मतलब जहाँ पे अर्बन एरियाज डेवलप हो गए या कई जगह बड़े लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर हो गई, तो वो सबको अगर आप निकालें तो आपको लगेगा कि ये नेट 30% इंक्रीज जो है वो इतना पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद इतना ये कहाँ से आ रहा है? तो आप अगर उसकी गहराई में अगर जाएंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीक़ों से हुआ ये कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने गांव की जो सामूहिक ज़मीनें होती थी, चारागाह की ज़मीन है या जो जिसको रेवेन्यू वेस्टलैंड बोलते हैं, जो रेवेन्यू वेस्टलैंड का पर्पज़ ये होता था कि लैंडलेस आदमी को ज़मीन थोड़ी दे दी जाए उसमें अगर थोड़ी खेती लायक है तो, या घर नहीं है लोगों के पास तो घर बनाने के लिए वो ज़मीन यूज़ में होनी थी। तो ऐसी सब ज़मीनें जिनको हम एक तरीके से कॉमन लैंड बोलते हैं, विलेज कॉमन लैंड या पास्चर लैंड, वो सरकार ने अपने कब्जे में ले ली। और दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि बार बार रिपोर्ट आती है कि सरकार ने आज ये वाले इस जंगल की ज़मीन जो निकाल के है वो उद्योगपति को दे दी कोई बड़ा फैक्ट्री बनाने के लिए, तो जंगल घटने चाहिए। हाँ, तो हुआ ये, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ये रिवर्स लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन है कि गरीब आदमी की, आम आदमी की, गांव की जो ज़मीन है उसको सरकार ले रही है और उद्योगपतियों को दे रही है कॉरिडोर बनाने के लिए या एयरपोर्ट बनाने के लिए जो भी। तो एक तो ये है कि जो लीगल स्टेटस है ज़मीन का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में वो इस तरीके से बढ़ा है और उसमें ये आदान प्रदान होता है कि ज़मीन इधर से लेके इधर दे दी। अब दूसरी मज़ेदार बात है कि जो फॉरेस्ट कवर की बात होती है कि फॉरेस्ट कवर जो सरकार का डेटा है, और अब आप आपको ये भी पता है कि भारत का जो पारंपरिक रूप से कई दशकों से बहुत ही जो डेटा कलेक्शन मशीनरी है, कम से कम इस सरकार के आने से पहले तक इसमें बहुत डाउटफुल हो गई, अब तो बहुत हो गया, लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट डेटा कलेक्शन मशीनरी हमारी है ना। तो उसके बावजूद अभी रिसेंटली 2 साल पहले जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरा दुनिया का जो ये है संस्था है, उन्होंने भारत को बोला कि आपका जो फॉरेस्ट कवर का डेटा है ये गलत है, आप इसको वापस दें। तो ये पूरी दुनिया में बड़ी फजीहत हुई मतलब, और उसका कारण ये था कि ये मिनिस्ट्री जो है अपनी सुविधा के हिसाब से, कभी इनको लगता है कि अब हमको फॉरेस्ट कवर दिखाना बढ़ा के, तो वो चाय के बागान हो गया, एक बार तो उन्होंने लोधी गार्डन को फॉरेस्ट उसमें बना दिया था, क्योंकि आप जब जो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि किस तरीके से कोई भी जो डेटा कलेक्शन होता है उसके अंदर बहुत सब्जेक्टिविटी जाती है, तो जब आप वो रिमोट सेंसिंग से उसका मैपिंग कर रहे हैं तो बहुत सारा उसमें जो डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया होता है उसमें आप ऐसा छेड़खान कर सकते हैं। नहीं लेकिन प्रोफेसर ये बताइए कि मैं ऐसी क्या मजबूरी है कि मैं फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा दिखाऊं? ये कुछ वो जो विल्सोनियन लॉजिक है कि हमको बहुत सारा जंगल दिखाना है या कोई हो क्या रहा है, मतलब इसकी मजबूरी क्या है जिस वजह से झूठ बोलना पड़ रहा है? अगर झूठ है तो मुझे पता नहीं है, झूठ है ही नहीं, एम्पिरिकली जब साबित होगा तब, लेकिन जो भी मतलब ये इन्फ्लेटेड आंकड़ा देने की मजबूरी क्या है? जी तो, और ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है, उसमें ये हो रहा है कि
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें हो रही हैं वो किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित करती है, वो ये समझने का ये बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर में जो ये डिबेट हो रही है कि जो विकासशील देश हैं वो अगर जंगल बचाएंगे तो उनको बाहर के जो इंडस्ट्री वाले हैं या तो या बाहर की सरकारें हैं या तो ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है उसकी तरफ से पैसा मिलेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि जंगल बचा रहे हो और आप दुनिया का जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो फॉरेस्ट की वजह से जो एब्जॉर्प्शन होता है जो सीक्वेस्ट्रेशन होता है उसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो उसके बेसिस पे भारत सरकार जो है वो डिमांड कर रही है कि हमको ग्रीन क्लाइमेट फंड का और इस तरीके का जो ये ग्लोबल फंडिंग है उसका पैसा दिया जाए। तो एक मकसद ये होता है कि ये दिखा के आप ये दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है वो पर्यावरण की रक्षा के लिए कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं कि हजारों की संख्या में आप ये लगा रहे हैं कोल पावर प्लांट लगा रहे हैं और आप मतलब जो है वो डीजल पे कुछ नहीं कर रहे हैं और जो जो मिडिल क्लास का जो कंज्यूमरिज्म है उसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो सब को एक तरीके से छुपाने के लिए जो भारत सरकार ने दो चीज़ें निकाली है जिसके वो पीछे मतलब पड़ी हुई हैं इस मामले में, एक तो उन्होंने बोला कि हम लोग जो है ये जंगल बढ़ाएंगे और उसमें इतना हम लोग क्लाइमेट के लिए ये करेंगे, और दूसरा उन्होंने ये ग्लोबल सोलर अलायंस करके जो बनाया है उसका ये पॉलिटिक्स है कि आप फिर आपको सोलर प्लांट्स कहाँ लगते हैं, गांव की ज़मीन पे लगते हैं, खाली जहाँ पे होती है वहाँ पे लगती है। तो हर बार आप ये देखेंगे, ये बड़े मज़े की बात है कि पूरी दुनिया की जो क्लाइमेट की लड़ाई जो लड़ी जा रही है उसमें भारत सरकार का जो भूमिका है वो वहाँ पर अटकती है जहाँ पर आम आदमी की गरीब की गाँव की ज़मीन का सवाल है, और वो ज़मीन लेके UN प्रकरण लेके और वो आप उसको है आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम लोग क्लाइमेट चेंज पे इतना काम कर रहे हैं। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज के असली कल्प्रिट हैं, जो भारत में अगर देखें तो जो एकदम रिचेस्ट स्टेटा हमारी सोसाइटी का है, सबसे धनी वर्ग जो है उनका जो कंजम्पशन है और उनकी कंजम्पशन की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज का हो रहा है वो कई लेवल पर मतलब क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का मिडिल क्लास के उसकी लेवल तक का है, और दूसरी तरफ बेचारा जो गरीब आदमी है वो तो नेगेटिव है इस तरीके से देखें, क्योंकि अगर वो जंगल बचाता है या अगर वो खेती जैविक खेती वगैरह करता है तो वो तो नेट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दुनिया को क्लाइमेट प्रोटेक्शन में ना। तो यहाँ पे ये भी है, ये एक तरीके रिवर्स सब्सिडी है, गरीब आदमी गांव का आदमी अपनी जमीन की वजह से अपनी खेती की वजह से अपनी लाइफस्टाइल की वजह से वो सब्सिडाइज कर रहा है जो हमारा धनी वर्ग है उसकी लाइफस्टाइल, और उसकी वजह से जो भारत सरकार जो है वो गरीबों के पीछे छुप के और दूसरी तरफ से दुनिया से पैसे ले रही है कि हमको गरीबी निवारण करना है, और यहाँ जो एक्चुअल में क्या है कि गरीबी निवारण करने की बजाय उनकी ज़मीन ले ली आपने, उनकी खेती को आप बढ़ावा नहीं दे रहे हो, खेती का जो पूरा सब्सिडी है वो केमिकल इंटेंसिव खेती पे जा रहा है जो पर्यावरण के लिए भी ख़राब है, हेल्थ के लिए भी ख़राब है और ज़मीन के लिए भी ख़राब है। तो ये बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है, और उसमें ये सब चीज़ें क्योंकि कई बार जो भारत के पर्यावरण और क्लाइमेट पे काम करने वाले लोग हैं वो बहुत बाहर की तरफ जब इशारा करते हैं कि ये सब विकसित देशों ने किया है तो हमारी नज़र हट जाती है कि हमारी सरकार हमारे देश के अंदर क्या, तो ये सब मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं उस परिप्रेक्ष्य। एक जरा इस डिबेट को मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, जैसे वो जब मेरे ख्याल से अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे अफसर BD शर्मा, उनकी जब एक रिपोर्ट आई कि ये जो जंगल हैं इनको आदिवासियों ने बचाया, जब तक ये इनके पास थे तब तक जंगल को कोई नुकसान नहीं हुआ, जैसे ही जंगल सरकार के पास जाता है उसके बाद वहाँ से एक क्राइसिस शुरू होती है। तो इस तरह के जब कोई फैसले होते हैं तो ये जो और जब लगातार सरकार के कब्जे में जंगल जा रहे हैं जो सरकार खुद कर रही है, तो लीगली तो वो कम से कम इतने ज़मीन पर तो उन्होंने कब्जा सरकार का एक तरह से हो ही गया, कंट्रोल हो गया है, तो ये जंगल इस तरह से बच रहे हैं एक्चुअल मतलब हम अगर डाटा और रियलिटी इसके बीच का क्या कोई कोरिलेशन या जानने कोई तरीका है, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इंडिया का क्या है इसको जानने का कोई मतलब टेक्नोलॉजी का कोई तरीका प्रोवाइड कर रही है जिससे कि ये जो बोल रहे हैं उसका उसके सच को हम उन दोनों को एक साथ दोनों को एक्स्ट्रा पहुंच करके रियलिटी तक पहुंच पाएं, ये क्या कोई तरीका है, और अगर ऐसा कोई तरीका है तो वो क्या बोलता है। जी, तो जो रिमोट सेंसिंग तकनीक की बात हो रही थी जिसमें आप जो जो सैटेलाइट के मैप हैं उनको लेके आप एक तरीके से एक्चुअल एनालिसिस करते हैं कवर का, लैंड यूज और लैंड कवर का, उसमें अगर आप जो सही से करने वाला व्यक्ति है वो बता सकते हैं कि एक्चुअल फॉरेस्ट कितना है, उसमें थोड़ा बहुत एरर रहता है लेकिन आप बता सकते हो कि आप कितना फॉरेस्ट कवर है।
और क्योंकि हम उस जो वो जो मैप है सैटेलाइट का, जो फॉरेस्ट कवर का लैंड यूज़ मैप है, उसको आप जब भारत में डिस्ट्रिक्ट के लेवल का जो मैप है उसके ऊपर जब आप ओवरले करते हो तो आप देख सकते हो कि जंगल कहाँ कहाँ बचा हुआ है। और वो ये होता है कि एकदम जो गुड क्वालिटी फॉरेस्ट है वो शायद, मतलब मुझे एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन अनुमान ये है कि करीब 80% ऑफ रियली गुड फॉरेस्ट कवर इज इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये तो बहुत पहले से पता है, नॉर्थ ईस्ट हो या इवन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जो पूरा सेंट्रल इंडिया का, इवन जो साउथ इंडिया का पोर्शन है उसमें भी जो आंध्रा का फॉरेस्ट है या कर्नाटक में फॉरेस्ट है, वो सारे फॉरेस्ट जो हैं वो आदिवासी एरियाज में। तो मतलब इस तरह का जो ये जो पॉलिसीज बनेंगी या कोई एक इंटरनेशनल एजेंसी या कोई एक इंटरनेशनल एक ग्लोबल जो एक तरह से पर्यावरण बचाने वाला नेट वाला कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स जब ये पॉलिसीज लाता है जो कि अल्टीमेटली ट्राइबल्स के लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, किसानों की लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, वो वहाँ पर उस तरह दलितों का जो ज़मीन पर जंगल पर निर्भर है उन पर उनको इम्पैक्ट करेगा, लेकिन फिर इन लोगों की इन फैसलों में ये कहाँ पर है, मतलब ये जो फैसले हो रहे हैं इस डिबेट डिस्कोर्स में, ये इनका पार्टिसिपेशन कितना है, इनका कोई कलेक्टिव विल कहीं पर दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये या ये काम हमने आउटसोर्स कर दिया कि सरकार हमारे लिए वो सोच ले, तो ये पूरा मैकेनिज्म इस समय कैसे काम कर रहा है। और इंटरनेशनल एजेंसीज को क्या इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उन देशों में एक्चुअली इंटरसेक्शनलिटीज़ के हिसाब से अलग अलग सोशल ग्रुप वगैरह किस तरह से काम करते हैं, इससे उनको फ़र्क पड़ता है या सिर्फ वो टेलीलॉजिकली देख रहे हैं कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो ये जो किताब का जो आर्ग्यूमेंट बता रहे थे कि जहाँ पर समाज के अलग अलग वर्ग और ख़ास तौर से वो वर्ग जिनकी लाइफस्टाइल की वजह से, जिनका जो प्राकृतिक संसाधनों के साथ जो रिश्ता है उसकी वजह से पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है, वैसे जो वर्ग हैं वो इस प्रोसेस में, पॉलिसी में, पॉलिटिक्स में जुड़ पाते हैं या नहीं जुड़ पाते, ये बहुत डिपेंड करता है कि उन वर्गों की पॉलिटिक्स के अंदर कैसी पहुँच है। तो अगर हम हमारे देश की बात करें तो आदिवासी ग्रुप हो गया या दलित हो गए या जो छोटे किसान हैं गांव में, उनका पर्यावरण की जो पॉलिसी है उसके ऊपर कोई असर नहीं रहता है, क्योंकि जो ग्रुप मोबिलाइज करना चाहिए पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, एक बहुजन समाज का एक जो आंदोलन बनना चाहिए पर्यावरण के हिस्से में, वो नहीं बन पा रहा है। तो राजनीति में जो दलित राजनीति जो चलती है वो लोग पर्यावरण की बात नहीं करते, क्योंकि जीवन पर असर है, जबकि बहुत असर है। और जो पर्यावरण के जो आंदोलन है वो दलित के बारे में इतना नहीं बात कर रहे हैं, कुछ जो पर्यावरण के आंदोलन है उन्होंने आदिवासियों के साथ काम किया है, लेकिन वो फिर उस चीज़ को पॉलिटिक्स में नहीं ला पाते। तो ये जो डिसकनेक्ट है पॉलिटिक्स का और पर्यावरण का, उसकी वजह से ये जो वर्ग है इनका नुकसान हो रहा है। अब आप इसमें एक बात ये ज़रूर सोचने की है कि आम तौर से पॉलिटिक्स के बारे में जिस तरीके से सोचा जाता है कि पॉलिटिक्स का मतलब आपाधापी और इलेक्शन और ये राजनेता और करप्शन, अगर पॉलिटिक्स को आप उस तरीके से सोचेंगे तो हम लोग उस रास्ते पे कभी नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स को ये सोचेंगे कि पॉलिटिक्स वो जरिया है जहाँ जिसकी वजह से समाज का नीति निर्धारण होता है, तो फिर हमको लगता है कि पॉलिटिक्स के साथ कैसे एंगेज करना और क्यों एंगेज करना इम्पोर्टेंट है, तो वो करना पड़ेगा। एक तो दूसरे देशों में जहाँ पर मैं जो जैसे मेक्सिको का एग्जांपल दे रहा था और काफ़ी सारे दूसरे जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो किसान वर्ग है या जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं या जो पेजेंट्स हैं, उन्होंने बहुत ऐसे संगठन बनाए जो पार्टीज़ के साथ मिलके या जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ उनके साथ दबाव डाल के, और वो उस पॉलिसी प्रोसेस को प्रभावित कर पा रहे हैं। तो वहाँ ये हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने बहुत सारे जो ये सोशल मूवमेंट हैं और बहुत सारे अच्छे जो ग्रुप जो पर्यावरण के मामले में काम कर रहे हैं, उन्होंने ये पॉइंट तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि आप जब तक ये जो आदिवासी या इंडिजिनस पीपल या जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं करोगे और उनके साथ आप अगर कोलैबोरेशन नहीं करोगे तो आपका जो ये पर्यावरण का, सस्टेनेबिलिटी का, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का काम सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन जैसे आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं और स्पेशली जो ग्लोबल लेवल की प्रोसेस हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज,
उनका लिमिटेशन ये है कि एक पॉइंट के बियॉन्ड वो नेशनल गवर्नमेंट्स को पुश नहीं कर सकते। बहुत टारगेट ओरिएंटेड शायद है कि इतना परसेंट हमें चाहिए टाइप, तो कर दो तो अच्छा है, तो उसमें तो नंबर्स फिर उनको नंबर होता है। और दूसरा ये कि अगर वो करना भी चाहें, जैसे आप मान लीजिए कि कोई ऐसी संस्था है जो बहुत सीरियसली इसमें इच्छुक है और करना चाह रहे हैं, तो भी वो लीगल लेवरेज उनके पास नहीं होता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपको है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जितनी भी हैं उनको नेशनल सॉवरेनिटी करके मानना ही पड़ता है, तो उसमें वो एक बैरियर है एक तरीके से। तो इसमें से बात ये निकलती है कि हम लोग ये जो वर्गों का हित है और उनके जो आइडियाज़ हैं और उनकी जो समझ है पर्यावरण के बारे में और उनके जो रिश्ते हैं पर्यावरण के साथ, वो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रोसेस में तब ला पाएंगे जब जो पहले तो इन 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 ग्रुप्स का मोबिलाइजेशन होगा, और वो मोबिलाइजेशन इट शुड टारगेट बोथ नेशनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एज वेल एज इंटरनेशनल पॉलिसी प्रोसेस। तो जैसे आपने अगर कोई ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन की कोई मीटिंग हो रही है और वहाँ पे आपने जाके जाम कर दिया, आप बोलेंगे कि हम तो आप मीटिंग चलने नहीं देंगे जब तक आप ये जो हमारा वायलेशन हो रहा है कि ह्यूमन राइट्स का या इंडिजिनस लैंड राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो एक तरीके की वो जो इंसर्जेंट पॉलिटिक्स होती है वो लैटिन अमेरिका में बहुत ज्यादा हुई है, अपने यहाँ पे अभी इतनी नहीं हुई। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश कासवान साहब, हमें लगता है कि इस बातचीत से मतलब बहुत सारे लोगों के लिए ये नई तरह की बातचीत है, क्योंकि अभी जिन पॉलिसी मेकर्स वगैरह से मैं चीफ मिनिस्टर से या मिनिस्टर से मिलता भी हूँ वो बहुत ज़्यादा इसको लेकर अवेयर भी नहीं है कि ये चीज़ हो रही है, और या फिर इसको उन्होंने ब्यूरोक्रेसी या कुछ अपने जो लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनको वो समझदार हैं उनके हवाले कर दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। शुक्रिया दोस्तों। तो आप प्रोफेसर प्रकाश ने जो बताया, मुझे लगता है कि इस पर विचार कीजिए और इस पर और स्टडीज़ वगैरह की ज़रूरत है। जो वहाँ पर एकेडमिशियंस हैं वो भी उम्मीद है कि इस सवाल को वहाँ से आगे बढ़ाएंगे जहाँ तक डॉक्टर प्रकाश इसको लेकर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।